नमस्कार, मैं हूं जुमकान। दिनभर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चुनाव प्रचार खत्म, थम गया ट्रोल, घर में नहीं अब घर में बनेगी नीति। जीत को लेकर आश्वस्त है प्रत्याशी, मतदाताओं की चुप्पी से गड़बड़ा रहा है समीकरण। बूथों के लिए मतदान दल रवाना, निर्वाचन अधिकारी ने दी चुनाव संबंधी जानकारियां। टाउन में पुलिस ने बीएसएफ के साथ निकाला फ्लैग मार्च, निष्पक्ष चुनाव की कवायद। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा सहित 9 पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं, तो 5 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान को रोचक बना दिया है। चुनाव मैदान में महिला प्रत्याशी की संख्या एकमात्र है। मतदान की तारीख नजदीक है, लेकिन मतदाता खामोश हैं। शहर हो या गांव, मतदाताओं का रुझान साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा। ऐसे में प्रमुख प्रत्याशियों के समर्थक अपने नेता की जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप और निर्दलीय प्रत्याशी जसपाल सिंह के लिए यह चुनाव मायने रखता है। वे तकरीबन 25 साल से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। यह अलग बात है कि डॉक्टर राम प्रताप चौधरी विनोद कुमार की तरह जसपाल सिंह को अब तक जीत का जश्न मनाने का मौका नहीं मिला। वहीं निर्दलीय के तौर पर राजेंद्र मकासर, प्रोफेसर सुमन चावला, जमींदारा पार्टी के बलराज सिंह दानेवालिया, माकपा प्रत्याशी रघुवीर वर्मा और बसपा प्रत्याशी मनीराम प्रधान की मौजूदगी चुनावी रोचकता को बढ़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें, हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 227,740 मतदाता है। इनमें पुरुषों की संख्या 120,512 है, यानी क्षेत्र में 107,228 महिला मतदाता भी हैं। यानी महिलाओं के मत चुनाव परिणाम पर खास असर दिखाएंगे। अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दे वही वर्षों पुराने हैं। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार जहां एनएमपीसी कॉलेज के सरकारीकरण, सीवरेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप जिला बनाने को बड़ी उपलब्धि बताते हुए उसे अब तक भुनाने में जुटे हैं। वे फतेहगढ़ माइनर में पानी नहीं आने को मौजूदा मंत्री पर निशाना साधते हैं। वहीं निर्दलीय जसपाल सिंह नगर परिषद में करवाए गए विकास कार्यों का ब्यौरा देकर विकास और अपनी ईमानदार छवि के दम पर वोटरों को लुभा रहे हैं। निर्दलीय सुमन चावला ने चुनाव से पूर्व अपने सार्वजनिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए लगाए गए रोजगार मेलों का हवाला दे रही हैं, साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए सपना बताना नहीं भूलती। जबकि निर्दलीय राजेंद्र मकासर अपने पुरखों, खासकर दादा हरिराम मकासर और पिता शोपत सिंह मकासर द्वारा की गई सेवाओं का हवाला देकर वोटरों के दिलों में उतरने की कोशिश में है। जबकि माकपा प्रत्याशी रघुवीर वर्मा को उम्मीद है कि 10 साल के संघर्षों का उन्हें फल मिलेगा। बसपा प्रत्याशी मणिराम प्रधान को पार्टी सुप्रीमो मायावती द्वारा यूपी में करवाए गए विकास कार्यों पर भरोसा है, तो जमींदारा पार्टी के बलराज सिंह दानेवालिया को पार्टी प्रमुख बीडी अग्रवाल पर, जिन्होंने श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज बनवाया और अब हनुमानगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए प्रयास करने की बात कर रहे हैं। वहीं जब वोटरों से बात की गई तो मुद्दों को लेकर उनका कहना था कि विकास की असली तस्वीर यहां पर किसी ने अब तक देखी नहीं। अब आपने आने वाले विधायक से ये चाहते हैं कि हनुमानगढ़ में इंदिरा चौक बने हुए काफी समय हो गया है, उसके अंदर इंदिरा गांधी की प्रतिमा लगानी आवश्यक है। हम आने अपने विधायक से ये चाहते हैं कि वो इंदिरा चौक में मूर्ति का स्थापना करवाएं, और लंबे समय से कृषि विश्वविद्यालय की मांग की जा रही है पब्लिक के द्वारा, वो कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। और हमारे शहर में सफाई की व्यवस्था है वो भी पूरी होनी चाहिए, और सड़कों का विकास है जो बरसात के दिनों में टूट जाती है, उनका ऐसी सड़कें बनानी चाहिए जिससे कि लंबे समय तक सड़कें मजबूती से रह सके। शहर में जो भी विधायक हैं, शहर की प्रमुख समस्याएं हैं सड़कें, शुद्ध पानी और कॉलेज, सरकारी कॉलेज होने के बावजूद अभी वहाँ स्टाफ नहीं है, और हॉस्पिटल की स्थिति बद से बदतर है। हम ये आशा करते हैं कि जो भावी विधायक हैं, जो भी चुना जाता है,
वो इन समस्याओं से शहर की जनता को, क्षेत्र की जनता को निजात दिलाएगा, ऐसी आशा है। हम भावी विधायक से ये आशा करते हैं कि वर्तमान में शहर के अंदर जो सफाई व्यवस्था है और साथ ही साथ जो पेयजल की दवा करती है सरकार, ये बिजली पानी सबके लिए, उसके बावजूद भी सभी वार्डों में, एक वार्ड की स्थिति नहीं है, सभी वार्डों के अंदर गंदा पानी, और कई बार तो इतना गंदा पानी आता है जैसे कि सीवरेज की पानी की सप्लाई हो रही है। ये बड़े एक है विवादास्पद स्थिति है कि वास्तविक सीवरेज तो चालू नहीं हुआ, लेकिन पेयजल के माध्यम से लोगों को अनुभव हो गया कि सीवरेज क्या होता है। कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का स्तर निरंतर प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है, क्योंकि सरकार ने पहली से लेकर आठवीं तक बच्चों को फेल करने की घोषणा की है, जिसके कारण शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता चला जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि कुछ विद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में शिक्षक की कमी होने के कारण शिक्षा का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। खास बात है कि जिले की प्रमुख औद्योगिक इकाई स्पिनिंग मिल सप्ताह भर से बंद है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने जाकर सुध लेने की कोशिश नहीं की, इससे श्रमिकों में असंतोष स्वाभाविक है। लिहाजा श्रमिकों ने इस बार मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की है। कमोबेश यही हालत ढिलो कॉलोनी के वासिंदों की है। रेलवे पटरियों के दो पार बसे कॉलोनी वासियों को आज भी रास्ते का इंतजार है। बार बार आंदोलनों के बावजूद जब किसी ने सुध नहीं ली तो कॉलोनी वासियों ने भी मतदान नहीं करने की घोषणा कर दी। पिछले लगभग एक साल से, बल्कि ज्यादा ही हो गया, संघर्ष ढिलो कॉलोनी संघर्ष समिति गेट के लिए आंदोलनरत है, और लंबा आंदोलन भी चला था, गाड़ियां भी रोकी थी, पूरी भी ट्रैफिक भी रोका था, लेकिन प्रशासन ने और राजनीतिक पार्टियों ने कोई इसमें सहयोग नहीं दिया। जबकि कांग्रेस के श्री भरतराम मेघवाल जी भी यहाँ आ गए, उन्होंने स्थिति का जायजा भी लिया था, लेकिन कोई भी इसमें अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है, और सभी ढिलो कॉलोनी वासी इसमें काफ़ी मायूस हैं। और इस बार चूँकि अब इलेक्शन आ रहे हैं 1 दिसंबर को, और इसमें सभी कॉलोनी वासियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि हम इस 1 तारीख को वोट का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, जिससे कि मिल की स्थिति चरमरा गई है। हमारा इस तमाम सवाल के ऊपर सरकार से और चुनाव आयोग से इस बात का विरोध है कि अगर मजदूरों की इस मिल की अंदर तालाबंदी रही, मजदूरों के अधिकारों के साथ में खिलवाड़ किया गया, जो पिछले साल 11 साल से लगातार खिलवाड़ किया जाता रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस के विधायक विनोद कुमार चौधरी के द्वारा ये आश्वासन दिया था के मिल को मैं फेडरेशन से अलग करवाऊंगा और उसके 10 करोड़ रुपए जो गुलाबरा यूनिट को दिए गए हैं वो उसको वापस लाऊंगा और इस मिल के मजदूरों की स्थिति को सुदृढ़ करूंगा, लेकिन तीनों जो कारण हैं उनमें से विनोद कुमार जी ने उनके ऊपर पूरा नहीं किया और मजदूरों के ऊपर एक तरफा वर्कलोड थोप दिया गया जिसका मजदूर विरोध कर रहा है। मिल के मजदूर की जो स्थिति आज दयनीय हो गई है और मिल में तालाबंदी के कारण मिल के मजदूर इस चुनाव आयोग के, इस लोकतंत्र के अंदर जो विधानसभा के चुनाव है उनका बहिष्कार करने का कल निर्णय लेंगे। कुल मिलाकर मुद्दों की तरफ किसी का ध्यान नहीं, हर प्रत्याशी को चुनावी जंग जीतने की फिक्र है, लेकिन बिना वोटरों की मंशा जाने चुनाव जीतना कितना मुश्किल होगा यह बात सबकी समझ में आने लगी है। चुनाव डेस्क, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई। शुक्रवार को राजीव गांधी स्टेडियम से भादरा, नोहर और पीलीबंगा क्षेत्र के लिए मतदान दलों को रवानगी दी गई। निर्वाचन अधिकारी पीसी किशन और उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहरा भी मौजूद थे। विधानसभा चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल परिसर में मतदान दलों को आखिरी बार प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी पीसी किशन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहरा आदि मौजूद थे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहरा ने मतदान कर्मियों को मतदान से पहले और बाद के दायित्वों की जानकारी दी। मेहरा ने कहा कि पोलिंग एजेंट इधर उधर ना करें, इसके लिए बखूबी ध्यान देने की जरूरत है, वे मुखबिर की भूमिका नहीं निभाएं, ऐसा करने वाले पोलिंग एजेंटों पर सख्ती बरतनी चाहिए। पोलिंग एजेंट बार बार अंदर बाहर नहीं आएगा, आप उसको अंदर बिठा दिया है तो वहीं रहेगा। एक रिलीवर का प्रोविजन है, तो यदि रिलीवर की नियुक्ति की हुई है आपके द्वारा तो वो आदमी उसकी जगह बैठ सकता है, लेकिन कागज यदि किसी के पास में है मतदाता सूची, तो इस बात की उसको इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि वो कितने वोट लोगों ने वोट दे दिए, कितने ने नहीं दिए, इस टाइप की सूचना बाहर
लोगों को देवे, ऐसी इजाजत जो है वो पोलिंग एजेंट को अपने को नहीं देनी। तो वहां बैठ गया एक बारी तो उसको वहां बिठाए रखें और वो डिस्टर्बेंस अननेसेसरी नहीं करें। यदि किसी की पहचान के बारे में आपको कोई शंका है तो उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कोई टीचर जो महिला है उसको लगा रखा है, यदि कोई बुर्का पहने हुए या प्रदानशील महिला है तो उससे करें। अपने को उसको विशेष रूप से जो है इस बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी बुर्का या कोई घूंघट है तो जेंट्स आदमी जो है वो उसका अपने को नहीं करना ये कार्रवाई, अपनी महिला जो वहां पर लगाई हुई है आरोप के द्वारा उसको विशेष रूप से करवाए। मेहड़ा ने कहा कि बूथ पर उन लोगों से माथापच्ची नहीं करें जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, ऐसे लोगों को विनम्रता पूर्वक मना कर दें। साथ ही पीठासीन अधिकारी को चाहिए कि निगरानी रजिस्टर में उन सभी अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाएं जो निरीक्षण के लिए बूथ पर पहुंचे हों। इसके बाद में ये भी समस्या आ सकती है कि कोई आदमी आपके पास आ गया कि साहब मेरा वोट नहीं बढ़ा है, मेरा तो नाम नहीं है मतदाता सूची में, तो आपको ये कहना है कि ये कार्रवाई पहले हो चुकी है और हमारे क्षेत्राधिकार का नहीं है। यदि आपका आज मतदाता सूची में नाम नहीं है तो हम आपका मतदान नहीं करवा सकते, उससे उलझने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद में आगे चले कि विशेष ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही आपका मतदान जो है वो शुरू हो गया है, पोलिंग एजेंट बैठ गए हैं, एक आपके हम शीट देंगे आपको, वोटर शीट, इसका इंस्पेक्शन की शीट होती है एक, और उस शीट के अंदर जो भी कोई जो सेक्टर मजिस्ट्रेट आया उसके साइन करवा लीजिए। वो एक प्रकार से अपने निरीक्षण का प्रारूप है जिसमें कोई अधिकारी कौन कौन सा निरीक्षण करने के लिए आया उसका इंस्पेक्शन की वो एक प्रकार की स्लिप है, उसको अपने को भरना है, वो भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन की जो सूचना है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट को आपको देनी है, वो भी आपको हमने इसके अंदर दी है। जब आपका अच्छा मैंने मॉक पोल प्रोसेस हो रही है तो उसके अंदर आपके पास वीडियोग्राफर है तो उससे उसको वीडियोग्राफी जो है वो जरूर करवाए। शाम को जब मतदान समाप्त हो जाता है और आपके वहां पर जो पीछे काफी भीड़ हो रही है 200 आदमियों की तो गेट बंद करवा दें और आपके जो पीछे पीछे जो वोटर है उसको अपने 1, 2, 3, 4 नंबर से जो स्लिपें बना लें, हमारे 100 आदमी खड़े हैं तो लास्ट वाला जो पीछे पीछे खड़ा है गेट के उसको एक नंबर से शुरू करके और जो आपके गेट तक लोग खड़े हैं उनको वो पर्चियों का वितरण कर दें और उन सभी का मतदान अपने को 5 बजे बाद में भी करवाना। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहड़ा ने वोटर स्लिप तैयार रखने, मतदान खत्म होते ही रजिस्टर चेक करने और पुलिस फोर्स को बूथ के अंदर प्रवेश नहीं देने की हिदायत भी दी। उनका कहना था कि बूथ के भीतर पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस का काम बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखना है न कि पोलिंग बूथ के अंदर। बूथ से संबंधित सारी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारियों की है, इसे वे गंभीरता पूर्वक महसूस करें। कि जैसे ही आपका चुनाव समाप्त होगा, ये चुनाव मतलब मतदान, उससे पहले आपको एक स्लिप जो है वो तैयार करनी है। वो किसके लिए तैयार करनी है कि आपका जो मतदाता का रजिस्टर है, मैं अभी PO2 की बात क्यों कर रहा हूँ कि मतदाता रजिस्टर वो तैयार करता है, कई PO ऐसे होते हैं जो उसके अंदर थोड़ी लापरवाही कर देते हैं, तो इस साल जो है वो चुनाव आयोग बड़ा सख्त है और उन्होंने कहा कि यदि मतदाता रजिस्टर में सही प्रविष्टि नहीं करता है कोई PO2 तो उसको तत्काल जो है उस पर कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया जाए। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर क्योंकि आप लगे हुए हो तो किसी को भी ऐसी कोई अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़े तो आप मतदाता रजिस्टर को सही तरीके से करें। जैसे ही आपका चुनाव समाप्त होगा मतदाता रजिस्टर जो है उसको चेक किया जाएगा, उसके अंदर पूरा देखा जाएगा कि आपने साइन सबके ले लिए, कहीं एपिक है तो उसके लास्ट 4 डिजिट उसमें अंकित है, सभी के साइन है और सही तरीके से आपने उसको संदर्भ किया लगा हुआ है या अर्ध सैनिक बलों का सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का आदमी लगा हुआ है उसको पुलिस विभाग को या कोई सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का कोई आदमी है उसको पोलिंग बूथ के अंदर आने की कतई इजाजत नहीं दे, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आप भी और वोटिंग कंपार्टमेंट में तो जाने की किसी को इजाजत नहीं है, तो बूथ के आप मालिक है पीठासीन अधिकारी जी, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है कि बूथ की पूरी व्यवस्था जो है वो आपकी व्यवस्था है, पुलिस आपकी इजाजत के बिना नहीं आएगी और अपने को अंदर पुलिस बुलाने की आवश्यकता नहीं है और मैं अपने नियमानुसार बुला सकता।
मतदान के बाद ईवीएम चेक करने की प्रक्रिया बताते हुए मेहड़ा ने कहा कि इस बात को गंभीरता पूर्वक समझें। ईवीएम को पुलिस सुरक्षा के बीच ही मतगणना स्थल तक ले जाएं, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। तो हमने विधानसभा वाइस आपके 5 बूथ बढ़ा दिए हैं। जोनल मजिस्ट्रेट का, माइक्रो ऑब्जर्वर का अलग से बूथ है। आप जो ईवीएम लाते हैं वो बिल्कुल सील्ड और चेक करते हुए उसको लाए, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको एस्कॉर्ट करके अपने को लाना है पुलिस की कस्टडी के अंदर, और किसी भी प्रकार से उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ में मतपत्र लेखा जो है वो आता है कि कितने वोट इसमें है ये नहीं है। इस बारे में थोड़ा विशेष ध्यान देना दिलवाना चाहता हूँ कि यदि कोई आदमी वोट देने के लिए आ गया और रजिस्टर में साइन कर दिए और पीओ दोनों दो है, पीओ सेकंड, उसने उसको वोटिंग की पर्ची भी जारी कर दी और उसका दिमाग में आ गया कि मैं तो मतदान नहीं करूंगा, अपन कहेंगे साहब नोटा का बटन है आप कर दो, तो मैं तो नहीं जाता, नोटा भी नहीं करूंगा, तो अपन क्या करेंगे कि अपना जो मतदाता रजिस्टर है उसमें वो ही लिखेंगे कि मतदान करने से इनकार किया है, रिफ्यूज फॉर कास्टिंग हिज वोट, वो अपन उसमें लिख देंगे। और तभी उसका अपने को, क्योंकि आपने मतदान मतदाता रजिस्टर में आपके मतदाता बढ़ गया, वोटिंग मशीन के अंदर वो वोट डालने गया नहीं, तो अपना हिसाब नहीं मिलेगा। राजीव गांधी स्टेडियम में दिन भर अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों की गहमा गहमी बनी रही। सैकड़ों वाहन भी खड़े थे। मतदान कर्मी अपनी टीम, बैग आदि लेकर संबंधित वाहनों में बैठकर रवाना हो रहे थे। शुक्रवार को नोहर, भादरा और पीलीबंगा क्षेत्र के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। शनिवार को हनुमानगढ़ और संगरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। भाजपा प्रत्याशी अभिषेक माटोरिया के समर्थन में हुई सभा में फिल्म अभिनेता वैभव अब्राय, बिंदु दारा सिंह, अभिनेत्री कश्मीरा शाह, भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन और इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी शिरकत की। विवेक अब्राय ने अभिषेक मौसली हीरो बताया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शुक्रवार को नोहर में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा रहा। भाजपा उम्मीदवार अभिषेक माटोरिया के समर्थन में यहां अनाज मंडी में आयोजित रैली में फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, बिंदु दारा सिंह, अभिनेत्री कश्मीरा शाह के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एवं विधायक अभय सिंह चौटाला सहित अनेक हस्तियों ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट मांगे। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी अभिषेक माटोरिया ने कहा कि देश और प्रदेश में सुशासन केवल भाजपा ही दे सकती है। उन्होंने कहा कि अब जनता की यही मांग है कि राजस्थान में वसुंधरा और देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर रामराज कायम करें। माटोरिया ने अपने विधायक कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि जनता ने अगर दोबारा मौका दिया तो वे इलाके को चमन बना देंगे। इस मौके पर उमड़े भारी जन समूह को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी। आलम यह था कि करीब 50,000 की भीड़ यार्ड के शेड व पेड़ों पर चढ़कर फिल्मी सितारों का दीदार कर रही थी।
करना है। तारीख है एक और नेता अभिषेक। विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो गया। प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी जन समर्थन हासिल करने में। खास बात है कि सबने अपनी अपनी जीत के दावे किए। क्या कांग्रेस और भाजपा जीत रहे, उम्मीदवार उतने ही दावे। चुनाव का शोर थमते ही नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं, लेकिन हौसला बुलंद है। हर किसी को यकीन है जनता जनार्दन पर। सबने अपनी फरियाद जनता की दर तक पहुँचाई है। जनता अपनी उम्मीदों की कसौटी पर किसे परखती है, इसका पता तो चलेगा 8 दिसंबर को। लेकिन फिलहाल अमूमन सभी प्रत्याशी अपनी सफलता को लेकर आशान्वित हैं। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार ने नई खुंचा, जंडावाली, पकासारना सहित धानमंडी टाउन में जनसंपर्क किया। समर्थकों में भारी जोश था और महिलाएं भी रैली में उत्साहपूर्वक चल रही थी। जब स्काई चैनल ने चौधरी विनोद कुमार से चुनाव में उम्मीद को लेकर बातचीत की तो उन्होंने सरलता से कहा, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज हम सुबह से ही 8-10 गांवों में जाकर के आए हैं। जैसे चिश्तिया है, 2 HMH है, आपके रामसरा, फतेहगढ़ खलेरीवास, फतेहगढ़ गुदारावास, रामसरा और कोला। और लोगों में भारी उत्साह है। लोगों में आपकी दफ़ा वोटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि हाइएस्ट होगी। और जो कांग्रेस पार्टी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं उसका भी लोगों में बहुत भारी असर है और बड़े उत्साह से लोग वोट देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राम प्रताप चंडावाली, पक्का भादुआ आदि क्षेत्रों से होकर जंक्शन पहुंचे। उन्होंने सघन प्रचार किया। चंडावाली में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जब स्काई चैनल ने डॉक्टर राम प्रताप से उम्मीदों को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग मिला है, परिणाम भी पक्ष में ही आएगा। उन्होंने हासिमगढ़ कॉलोनी में भी नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। देरी से आपके बीच में पहुंचा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आज के कार्यक्रम भी क्योंकि कल आखिरी दिन होने की वजह से काफी देर तक चलेंगे। आप सब लोग प्रबुद्ध नागरिक हो, आपके बीच में कोई बात मैं कहूं तो मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा आप सब लोग जानते हैं। अब आने वाली 3 तारीख को एक तारीख को समय से 3 दिन का है। लोगों में इतना भारी उत्साह है कि मैंने जिंदगी में पहली दफा इस किस्म का माहौल देखा। लोग बदलाव चाहते हैं। चुनाव का मुद्दा सबसे बड़ा विकास और विकास के पीछे सारी बातें आ जाती है, चाहे रोजगार का हो चाहे अन्य कोई समस्या हो। बसपा प्रत्याशी मनीराम प्रधान का दिन गांव मुंडा, शेरगढ़ और टाउन क्षेत्र में बीता। उन्होंने सघन जनसंपर्क कर वोट के लिए मशक्कत की। मनीराम प्रधान तो न सिर्फ अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए, वहीं प्रदेश में सरकार बनाने का भी दावा किया। हनुमानगढ़ से बहुजन समाज पार्टी अच्छे वोटों से जीतेगी और हमें जब वार्डों में जाते हैं और गांव में जाते हैं तो हमें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है, जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। जनता आज हमारे साथ में है, आज सर्व समाज हमारे साथ में है। बहुजन समाज पार्टी की इस बार राजस्थान में सरकार बनेगी और हम यहां से अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि लंबे टाइम से जो यहाँ कांग्रेस बीजेपी के लोग जीते आ रहे हैं उनसे लोग जनता दुखी है। और क्योंकि लंबे टाइम से ये कुछ काम नहीं किया इन लोगों ने, जो वार्ड की जो समस्याएं हैं, वार्ड की और शहरों की जो गांव की समस्या है बहुत ज्यादा समस्या है और लाइट पानी की समस्या है। और जो जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन के तहत आज हम राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। हनुमानगढ़ में इस बार बहुजन समाज पार्टी अच्छे वोटों से विजयी। माकपा प्रत्याशी रघुवीर वर्मा ने संघर्ष को सर्वोपरि बताया। विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर लौटे वर्मा ने कहा कि जीत हार का फैसला जनता का है,
और इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह जनता ने सहयोग किया है अभिभूत हूँ। नुक्कड़ सभाओं के जरिए जन समर्थन मांगा गया और व्यापक रूप से लोगों का समर्थन मिल रहा है, चाहे वो नरेगा का मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे शहर में काम करने वाला आम व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, तमाम लोगों का पूरा समर्थन यहाँ मिल रहा है। और करीब करीब हमने यहाँ करीब 100 सभाएं, नुक्कड़ सभाएं की है, और उसके बाद में ये इस तरह का माहौल है कि पूरे राजस्थान में भी वामपंथ के पक्ष में और हनुमानगढ़ में भी कम्युनिस्ट पार्टी के को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जनता का जो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ है, उससे ये साबित होता है कि लड़ने वाले लोगों को ये क्षेत्र हमेशा से आगे लाता रहा है। निर्दलीय राजेश सिंह शेखावत भी अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता के सामने सारी बातें रख दी हैं और न्याय करना उनका काम है। जनता का जोरदार समर्थन मिला और जनता की अपेक्षा है कि बार बार आने वाला चेहरा पुनः नहीं आए और नए चेहरे को वो चाहते हैं कि शासन में आए, और हमने उनको विकास की जो है बारे में बताया कि ग्रामीण और शहरी, पानी और बिजली, भय और भूख और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए हम इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। आप लोगों का वोट से हम जो विधानसभा तक पहुंचेंगे वहां के नियम और कानून नए बनेंगे। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं BBA की स्टूडेंट हूँ। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर आई स्कोर्ड 80% मार्क्स, एंड फॉर दिस आई वुड लाइक टू थैंक फॉर बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज। द एनवायरमेंट ऑफ दिस कॉलेज इज वेरी लर्निंग एंड आई हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस 2 ईयर्स। कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD TV उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलेक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैंस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD TV, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे में। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। पखवाड़े भर से जारी चुनावी शोर खत्म हो गया। शुक्रवार शाम 5 बजे चुनाव प्रसार थम जाने से लाउड स्पीकरों की गूंज खत्म हो गई। कान फोड़ो आवाज से निजात मिल गई। शुक्रवार शाम 5 बजे चुनावी शोर खत्म होने से नागरिकों ने राहत की सांस ली। इसके साथ ही प्रत्याशियों की नुक्कड़ सभाएं भी खत्म हो गई। सभी प्रत्याशियों ने दर्जनों गांव को संभालने में रुचि दिखाई। शहर के लिए उन्होंने शनिवार का दिन चुना है। रविवार को मतदान होगा, वहीं कार्यकर्ताओं की ओर से शनिवार रात्रि की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शनिवार की रात कयामत की रात साबित होती है। कहा जाता है कि जिस प्रत्याशी के कार्यकर्ता जिस तरह मेहनत कर लेते हैं, उनकी जीत उसी तरह सुनिश्चित हो जाती है। वैसे भी इस बार हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले में धनबल हावी होने का अंदेशा है। चुनाव में पार्टी के खिलाफ जाना जिले के 7 नेताओं को महंगा पड़ गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुरदास कामत ने कार्यवाही करते हुए PCC सदस्य संदीप ठुकिया, भादरा पालिका अध्यक्ष हाजी दाऊद खान कुरेशी, ब्लॉक अध्यक्ष मनजीत बेनीवाल, मोहन बेनीवाल,
संघीय अध्यक्ष जगसीर सिंह, नगर अध्यक्ष पवन सेठी और टीबी अध्यक्ष महावीर पूनिया और फिर डब्बू को पार्टी से निष्कासित कर दिया। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादी ने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि संदीप ढूकिया और कुरेशी खुद भादरा से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बाकी नेता सिंबल के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। चुनावी मौसम में जनता को लुभाने के लिए उम्मीदवार कई तरह के वायदे करते हैं, वहीं वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए पैसे व शराब का भी सहारा लिया जाता है। जंक्शन में गुरुवार रात्रि पुलिस ने अवैध शराब बरामद की। जंक्शन में रेलवे ओवरब्रिज के पास वाहन से शराब ले जाते समय दो कार्टून शराब की सड़क पर गिर गए। सड़क पर गिरते ही एक कार्टून फट गया व शराब के पौवे बिखर गए। वाहन चालक ने इन कार्टूनों को उठाने के बजाय वहां से निकलना ही बेहतर समझा। सड़क पर शराब के पौवे गिरे देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर जंक्शन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और देसी शराब के पौवों को अपने कब्जे में लिया। अधिवक्ता हेडलाइंस का प्रत्याशी राजेंद्र चाचान के समर्थन में पार्टी की सभा हुई। इसमें प्रदेश सह प्रभारी अशोक तंवर ने भी शिरकत की। तंवर ने गहलोत सरकार की उपलब्धियों का बखान किया और राज्य में फिर से पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया। उनके नाम की पहचान बनी तो आपकी बदौलत बनी, आपकी बदौलत बनी। एक आदमी किसान का और इस देश को आगे बढ़ाने का, इस मुल्क को आगे बढ़ाने का, राजस्थान को आगे बढ़ाने का, तो मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने तिरंगा झंडा थाम लिया, सोनिया जी ने तिरंगा झंडा दे दिया, राहुल जी ने दे दिया, सरदार मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री की अगर उस पर मोहर लग गई तो मैं समझता हूँ कि फिर हर कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके साथ खड़ा हो और ये जो हमारा आगे की इस मुल्क के सामने चुनौती है, इस प्रदेश के सामने चुनौती है, किसान मजदूर गरीब आदमी छत्तीस बिरादरी के लोगों को जो ताकत देने की कांग्रेस की एक कोशिश है, उसको मैं समझता हूँ कि सफल बनाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। शराब का नया नामकरण हो गया है, नया नाम है हर्बल चाय। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह नया नामकरण किया है राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने। मतदान को देखते हुए भले शराब के ठेके शुक्रवार शाम 5 बजे बंद हो गए, लेकिन हर्बल चाय की पर्ची लेकर शराब चाहने वालों की उत्सुकता देखते ही बन रही थी। निर्वाचन आयोग ने भले सख्ती कर दी हो, लेकिन हो सब कुछ रहा है। खूब हो रहे हैं खर्च, पेट्रोल, डीजल, शराब, भोजन और यहाँ तक वोटों की खरीद फरोख्त भी। बस तरीके बदल गए हैं। बिकाऊ वोटों की शिनाख्त के बाद वहां पर धन पहुंचाने की तैयारी चल रही है। नेताओं के खास सिपाह सलार उसे अंजाम देने में जुट गए हैं। शुक्रवार शाम 5 बजे शराब के ठेके बंद हो गए, लेकिन हर्बल चाय पीने वाले पर्ची लेकर ठेकों के इर्द गिर्द मंडराते रहे। कमोबेश सभी प्रत्याशियों ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं बल्कि मतदाताओं के लिए भी हर्बल चाय रूपी शराब की पूरी व्यवस्था कर रखी है। विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र करवाने के लिए पुलिस प्रशासन हर संभव प्रयास करने में लगा है। टाउन में आज पुलिस और बीएसएफ जवानों ने मिलकर पैदल मार्च निकाला।
अपराधियों और अवांछित लोगों में कानून का खौफ पैदा करने तथा आम लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश देते हुए टाउन पुलिस और बीएसएफ जवानों ने पैदल मार्च किया। वे टाउन पुलिस थाना से रवाना होकर धान मंडी, टीपी रोड, रावसर रोड और मार्केट, कॉलेज फाटक आदि मुख्य मार्गों से होते हुए थाना परिसर पहुंचे। डीएसपी नरेंद्र गोदारा ने पैदल मार्च की अगुवाई की। आज हनुमानगढ़ टाउन में बीएसएफ के साथ और हनुमानगढ़ टाउन थाना की पुलिस के साथ फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च ट्रैफिक थाना से प्रारंभ कर बस स्टैंड, पंजाबी मोहल्ला, शोरगर मोहल्ला, बिहारी मोहल्ला, महेश्वरी मोहल्ला, गुड़मंडी, निसारिया मार्केट, मुख्य मार्केट, इंदिरा चौक, टीबी रोड से SRM स्कूल, कंदोई धर्मशाला हॉस्पिटल, 13 HMS रोड, प्रेमनगर, धान मंडी, लोहा मंडी से होते हुए और ट्रैफिक थाने तक बीएसएफ के साथ फ्लैग मार्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है परसों होने जा रहे विधानसभा के जो चुनाव हैं उनको फ्री, फेयर एंड पीसफुल कराना है। आमजन को जिसे एहसास हो कि भारी पुलिस बल उपलब्ध है, पुलिस बल की कोई कमी नहीं है, वो भयमुक्त होकर अपना मतदान करें और बदमाशों को ये एहसास कराना है कि वो किसी भी प्रकार की गलत हरकत नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई गलत हरकत बर्दाश्त की जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।